सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर अपने बच्चों के रक्षार्थ हेतु उनके जीवन को सफल बनाना चाहती हो तो उनके पिता और उनके जीवन के बीच में मत आओ। जिस रूप में पिता अपने पुत्र को या पुत्री को बढ़ाना चाहते हैं, थोड़े कड़े होकर के उन्हें समय दीजिए। अगर वो माता उस पिता के सामने ये कह रही है, नहीं 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 नहीं, आप हमारे बच्चे को मत मारिए, देखिए हमारा बालक है, आप मत मारिए, बस बिगड़ने के साधन शुरू हो गए हैं। बच्चों को मारने का मेरा अभिप्राय नहीं है, कोई माता पिता अपने बच्चों को मारता नहीं है, ठीक करते हैं, उन्हें तारते हैं। जैसे मेरे भगवान राक्षसों को मारते नहीं हैं, हमारे लिए भगवान तो हमारे माता पिता हैं और राक्षस तो उनकी भी संतान है, किसी को नहीं मारते। और उसी प्रकार पुत्र अगर दुष्ट निकल आए तो माता पिता क्या प्रेम नहीं करते हैं उससे? प्रेम तो नारायण को रावण से भी था, गोविंद को तो सबसे ही था, भले ही सबको गोविंद से हो ना हो, उनकी संतान है, उनकी सृष्टि में अगर कोई कण भी है तो उनके शरीर से निकला है। मेरे गोविंद तो ये चाहते ही हैं कि सब सुधरे। अब कर्म जैसा करोगे वैसा फल तो मिलेगा, तो अपने बच्चों को भी ऐसा ही, जैसा कर्म आपके बच्चे करते हैं उनको फल दो। बिगड़ जाएगा मारिए मत, घर छोड़ के चला जाएगा मारिए मत, नहीं। ये डर जब तक माताओं के हृदय में रहेगा, सही समय पर कड़ाई अगर नहीं की गई तो बच्चे बिगड़ते हैं। माता यशोदा ने भी छड़ी उठाई है, माता यशोदा ने भी उखल से बांधा है, कान पकड़ी है मां ने भी। आपके बालक का बचपन आपके ही हाथ में है, माताओं को तो खास कर ये निवेदन है। इसलिए पिता और पुत्र के बीच में न आए। और एक विशेष सूचना, केवल पुत्रों की शिक्षा की बात न हो, आपके पुत्र से ज्यादा पढ़ाइए आप अपनी पुत्री को, क्योंकि वो योग्य है। मैं हर बार कहता हूं कि 10 पुत्रों के जितना बल एक पुत्री में होता है। बहुत से पिता ऐसे होते हैं कि नालायक है उनका पुत्र, लेकिन उस नालायक पुत्र के लिए घूस दे देंगे, लेकिन योग्यवान पुत्री के लिए पैसे नहीं दे सकते। अरे तुम्हें क्या है, जाके बर्तन ही तो मांजना है। अच्छा, इसलिए जन्म दिया है? गलत बात है, मैं विरोध करता हूं इस बात का। अपने घर में अपनी पुत्री को, अपनी बहन को आप पढ़ाइए। विश्व की हर पुत्री पढ़ी लिखी होनी चाहिए। एक पुत्र शायद एक कुल को भी नहीं तार पाता है, कभी कभी अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में भेज देता है, क्या तारेगा? एक पुत्र तो पढ़ा लिखा पुत्र भी कभी कभी एक कुल को भी नहीं तार पाता है, घर से बाहर कर देता है माता पिता को। लेकिन अगर पुत्री पढ़ी लिखी होगी तो वो दो कुलों को तारेगी, वो दो कुल को तारेगी। मेरे जीवन में अगर मैं कभी कुछ
समाज से या लोगों से कुछ मांगूंगा तो यही मांगता हूं कि आप नारियों को, पुत्रियों को, कन्याओं को पढ़ाओ। मेरा प्रकल्प अगर कभी कुछ रहेगा मांगने के लिए तो मैं यही मांगूंगा और दर दर जाकर के मांगूंगा, घर की पुत्री पढ़ी लिखी हो। और देखिए शक्ति दोनों के लिए हो, रात में 10 बजे के बाद, 11 बजे के बाद पुत्र घर में आ सकता है, पुत्री के लिए 8 बजे का समय है। क्यों? दोनों के लिए क्या तो 8 कीजिए, क्या तो दोनों के लिए 11 होने चाहिए। मर्यादा तो पुत्र के बाहर रहने से भी जाती है परिवार की, वो रात में 12 बजे आता अच्छा लगता है। लोगों को पुत्रियों से ही समस्या है, जबकि घरों को बचाने में पुत्रियों का ही योगदान हमेशा पुत्रों से ज्यादा रहा है। एक उदाहरण आप मुझे नहीं दे सकते कि किसी पुत्री ने अपने मां बाप को घर से निकाला, एक उदाहरण नहीं है संसार में, एक उदाहरण ऐसा नहीं है कि किसी पुत्री ने अपने माता पिता को घर से निकाला है। वो चाहे अनपढ़ी सही, कभी विद्यालय का मुख उसने न देखा हो, लेकिन कभी जीवन में ये कृत्य तो नहीं किया। और मैंने एक नहीं 4 भाई हैं, 4, और लड़ते हैं, सुनो तुम रखो, 3 महीने तुम रखो, 3 महीने तुम रखो, 6 महीने तुम रखो, 6 महीने तुम, हम नहीं रखेंगे माता पिता को, पढ़े लिखे कहते हैं। पुत्रियों को पढ़ाइए और खूब पढ़ाइए। उन माता पिताओं के लिए तो मैं, जिसे लाइफ इंश्योरेंस कहते हैं ना, आपका लाइफ इंश्योरेंस इसी में है कि आप अपनी पुत्री को पढ़ाइए, आपका भविष्य सुरक्षित रहेगा। पुत्र निकाल भी देगा तो पुत्री संभाल लेगी आपको।